बहुत बहुत स्वागत है आपका करेंट अफेयर्स की सेशन में। आज हम लोग जानेंगे कि डार्क स्काई रिजर्व क्या है, डार्क स्काई रिजर्व को अच्छे समझते हैं ये होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकाशीय पिंडों को यानी कि तारों को अगर आपको देखना हो तो आप कहाँ से देख सकेंगे, टेलीस्कोप से आप क्लियर कहाँ से देख सकेंगे, तो देखिए जो कृत्रिम लाइटें होती हैं, जो शहरों में या गाँव में कृत्रिम लाइटें होती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं देखने में। तो आप जाएंगे कहाँ, जहाँ एकदम डार्क एरिया हो, जहाँ घना कोहरा मतलब अंधेरा हो, वहाँ पे जाएंगे और उस एरिया में जा करके आप आराम से देख सकते हैं। ऐसा ही जगह का तलाश था भारत में। भारत में पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है लद्दाख के हेनले नाम के जगह पर। वहाँ से आप क्लियर किसी भी आकाशीय पिंड को आराम से देख सकते हैं और वहाँ से रेडिएशनों को स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे गामा रे हो गया, इंफ्रा रेड हो गया, क्योंकि वो ऊंचाई पर होने की वजह से आराम से थोड़ा स्टडी किया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और ये जो एरिया है केवल लद्दाख में ही हो सकता है कि दूसरे जगह भी हो सकता है, तो देखिए अगर आकाश में किसी चीज़ को, किसी पिंड को देखना है या तारों को बढ़िया से देखना है तो उसके लिए बादल नहीं होने चाहिए। अगर बादल होगा तो भी नहीं देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आकाश एकदम साफ है तो आराम से देख सकते हैं। जो कृत्रिम लाइटें होती हैं शहरों में, गाँव में, चौक चौराहे पर और या सड़कों पर जो लाइटें होती हैं ये डिस्टर्ब करती हैं, इसको हम लोग कृत्रिम लाइट पोल्यूशन भी कहते हैं। ये डिस्टर्ब करती हैं जिसके वजह से आप शहर से हो करके आराम से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाना होगा, जंगलों में या अलग किसी ऐसे जगह पर जो एरिया डार्क हो। तो ऐसा ही डार्क एरिया कहाँ हम लोगों ने देखा है, तो ये मिला है हनले नाम के जगह पर लद्दाख में, वहाँ से आराम से स्टडी किया जा सकता है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया यहाँ पर हनले लद्दाख में। दुनिया का अगर पहला कहा जाए कि पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बना, तो ये 1993 में मिशिगन झील में बना, अमेरिका के मिशिगन झील में। और अभी जो हमारा बन रहा है ये 22 किलोमीटर के एरिया में बनाया जा रहा है चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य में। चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य वहाँ पड़ता है, वहीं पर बनाया जा रहा है। आखिर लद्दाख को ही क्यों चुना गया, इसके अलावा दूसरे जगह को भी चुना जा सकता है, दूसरे जगह का भी तलाश किया जा रहा है। देखिए एक तो लद्दाख में बादल नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर आपको तारों को देखना है या उसके बारे में स्टडी करना है तो एक तो डार्क एरिया होना चाहिए, अंधेरा जगह होना चाहिए जहाँ से तारे एकदम क्लियर दिखाई दें, और दूसरा बादल नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए डार्क ही एरिया है लेकिन बादल वहाँ दिखाई दे रहे हैं तो भी आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे तारों को। तो लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ना के बराबर बारिश होती है, क्योंकि वहाँ बादल बनते ही नहीं हैं। तो बादल नहीं बनता है जिसके वजह से आप आराम से क्लियर देख सकते हैं वहाँ से, इसीलिए उस जगह को चुना गया है। और आकाश हमेशा क्लियर रहता है वहाँ पर, जिसके वजह से हेनले नाम के जगह को चुना गया। तो आप समझ गए होंगे कि डार्क स्काई रिजर्व क्या है। ये एक तरीके का इस तरीके से बनाया हुआ घर जैसा होता है और इसी में टेलीस्कोप से देखा जाता है आकाशीय पिंडों को। तो ये हमारा आज का सेशन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।